है जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस में वापस आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जायसवाल को कांग्रेस से टिकट मिलना चाहिए था, उनके साथ अन्याय हुआ, फिर भी वे निर्दलीय जीते। उन्हें कमलनाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, अभी भी मौका है, वो कांग्रेस में आए और समर्थन करें। अगर भाजपा की राह पकड़ी तो कांग्रेस ही उनका कड़ा मुकाबला करेंगे। किसी शर्त के मंत्री भी बनाया, हमें उम्मीद नहीं थी कि गुड्डा हमें छोड़कर और भाजपा का समर्थन करेगा। हालांकि उनके साथ अन्याय हुआ मैं जानता हूं, उनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी स्वतंत्र जीत कर आए और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सबने जिताया, लेकिन उन्हें कमलनाथ जी को और कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत गलत काम उन्होंने किया है और अब भी हम कहेंगे कि चलिए जो भी हुआ अभी भी मौका है, लौट कर वापस आए, कांग्रेस का समर्थन करें, लेकिन भाजपा में अगर गए तो कांग्रेस ही डट कर उनका विरोध करेगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी, कई मंत्री अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी, जिसमें कई प्रस्ताव जिन पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई जाएगी। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई मंत्री और इसके साथ ही अधिकारी शामिल होंगे।